हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस शीट 6 क्वांटम नंबर्स की प्रैक्टिस शीट है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन सब शेल्स विद 3, हमें नोटेशंस दे दी गई है बेटा। तीन अलग अलग नोटेशंस हैं। पहली नोटेशन है एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2। सेकेंड है बेटा एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 2। और थर्ड है हमारे पास एन इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 2। हमें इन तीनों नोटेशंस के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करनी है बच्चे। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करनी है। ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा हमें कौन कौन सी सबशेल्स यहाँ पे गिवन है। अब देखो, n जो है यहाँ पे वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l जो है हमारा वो हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे हमारे पास थर्ड शेल है, थर्ड शेल के रिगार्डिंग हमारे पास हमारा सबसे पहले l इज इक्वल टू 2 आ रहा है, जिसके लिए d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सिमिलरली फोर्थ शेल के लिए भी 2 आ रहा है d ऑर्बिटल, सिमिलरली फिफ्थ शेल के लिए भी 2 आ रहा है, दैट इज d ऑर्बिटल। अब 3D, 4D, 5D, इनमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं। तो आप देखोगे तीनों पार्ट्स में हमारे पास हमारा डी सब शेल है। जो हमारा डी सब शेल होता है, इसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको वन बाय वन उनके नेम बता देता हूँ। पहला ऑर्बिटल है हमारा DXY, जिसकी शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हो, डबल डंबल उसकी शेप होती है, इस तरीके से शेप आ जाएगी। एक लोब हमारा कंप्लीटली पॉजिटिव होगा और एक लोब कंप्लीटली नेगेटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस लगा दूंगा तो ये DXY बन जाएगा। अब सेम शेप हमारे पास आएगी DYZ और DZX की, बस फर्क इतना होगा यहाँ पे जो हमारी एक्सिस होंगी वो चेंज हो जाएंगी। YZ में Y और Z एक्सिस आएगी, Z और X में Z और X एक्सिस आएगी। तीन ऑर्बिटल मैंने आपको बता दिए, बाकी के हमारे दो ऑर्बिटल हैं DX²-Y², इसकी जो शेप बनती है वो भी डबल डंबल है, बस फर्क इतना है यहाँ पे जो डंबल होते हैं हमारे वो ऑन द एक्सिस आ रहे होते हैं। और फाइनली लास्ट शेप होती है हमारी DZ²। DZ² में जेड एक्सिस पे हमारे पास एक ही डंबल प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड ऐसे रिंग हमने बनाई होती है। तो हमें यहाँ पे शेप वैसे बतानी नहीं थी, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। ऑर्बिटल्स हमारे टोटल 5 आ जाएंगे, DXY, DYZ, DZX, DX²-Y² और DZ²। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।